प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है कोई कुछ कर ले ये प्यार होके रहता है लर जाती है नींद उड़ जाती है आग लग जाती है हाय मजबूर हो के दिल देना ही गम देना ही पंदाए हाय हेलो फ्रेंड्स दिस इज विजय पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी तो आइए सीटेट जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन आती है सीडीपी का उसके तहत आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कोग्निशन संज्ञान आप सभी को पता है कि विकास की छह अवस्थाएं जो होती है छह जो एरियाज होते हैं उसमें से एक शामिल है आपका संज्ञान तो देखिए संज्ञान होता क्या है तो जनरली संज्ञान का जो संबंध होता है यह आपके मेंटली प्रोसेस से होता है यानी कह सकते हो कि कॉग्निशन इज़ अ मेंटल प्रोसेस टू अक्वायर नॉलेज यानी जो हम मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा हम ज्ञान की प्राप्ति करते उसे हम संज्ञान कहते वैसे संज्ञान की अगर हम डिटेल्ड परिभाषा दे तो हम कह सकते हैं कि जिसमें स्मृति समस्या समाधान समझ तर्क करना पहचानना सभी को मिलाकर जो एक समझ बनती है उसे हम लोग कहते हैं संज्ञान यानी संज्ञान है क्या तो मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है उसमें विद्यमान वस्तुओं व्यक्तियों अथवा घटनाओं के प्रति जो अवधारणा का बोध करता उसे ही संज्ञान कहते हैं यानी सोचने समझने तर्क करने की क्षमता एवं समझ जो होती है वही संज्ञान है यानी अगर हम कहे तो कह सकते कि इट इज अ मेंटली प्रोसेस टू तो अक्वायर नॉलेज यानी यह एक मानसिक प्रक्रिया है आपके ब्रेन की प्रक्रिया आपके मेंटली प्रक्रिया है जो आपके सोचने समझने तर्क करने और विभिन्न प्रकार की समझ को यह इंप्रूव करता है विकास करता है उसे ही हम संज्ञान कहते हैं संज्ञान का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है आपका बुद्धि जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपका संज्ञान होगा बुद्धि जितना कम होगा उतना ही कम आपकी संज्ञान होगा यानी आप किसी भी जगह पर किसी भी पॉइंट पे किसी भी तथ्य पर आप कितनी अच्छी तरह से उसे आप विवरण देते हैं वर्णन करते हैं यह डिपेंड करता है पूरी तरह से आपके संज्ञान पर आपके कॉग्निशन पर आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर अब संज्ञान की विशेषताएं क्या है इसमें कौन कौन सी खासियत होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निशन की बात करें तो संज्ञान के अंतर्गत मानसिक क्रियाएं शामिल होते हैं जितने भी मेंटली वर्क होते हैं या एक्टिविटीज होती है वो सब संज्ञान में शामिल होते हैं जैसे कल्पना इमेजिन तर्क यानी लॉजिक या लॉजिकल रीजनिंग व चिंतन थिंकिंग ये सारा जो होता है संज्ञान के अंतर्गत ही शामिल होते हैं अनुभवों पर संज्ञान जो होता है अनुभवों पर आधार चूंकि आपको जब तक किसी भी फील्ड में किसी भी चीज पर किसी भी वस्तु पर किसी भी वातावरण के साथ आपको जानकारी नहीं होगा अनुभव नहीं होगा तब तक वह जो होता है संज्ञान की कार्य पूरा नहीं होता यानी अनुभव के आधार पर ही वह कल्पना या कारण या तर्क लगाना जानता है संज्ञान जटिल मानसिक प्रक्रियाएं हैं और यह उच्च बुद्धि वाले व्यक्ति का संज्ञान भी उच्च होता है मानसिक प्रक्रिया मेंटली एक्टिविटीज है प्रोसेस है जो ज्ञान अर्जित करने की है यानी टू अक्वायर नॉलेज इट इज अ मेंटली प्रोसेस टू अक्वायर नॉलेज स्मृति समस्या समाधान तर्क करने पहचानना सभी को मिलाकर एक समझ बनाना ही क्या कहलाता है संज्ञान कहलाता है यानी सबको एक साथ मिलाकर और तब हम जो है दिमाग से अपने मेंटली से जो भी एक्टिविटीज करते हैं वह सारा का सारा संज्ञान कहलाता है तो आइए देखते हैं क्या होता है? जानिएगा नोइंग अबाउट नोइंग जानने के बारे में जानना जो आप जानना चाहते हो उसके बारे में जानना ही मेटा कॉग्निशन है खुद के सोच प्रक्रिया के बारे में जागरूकता अवेयरनेस ऑफ वंस ओन थॉट प्रोसेस यानी खुद के सोच प्रक्रिया के बारे में जो जागरूकता होती है उसे हम परासंज्ञान कहते हैं यह जो होती है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होती है उच्च क्रम का चिंतन कौशल होता है और अच्छी परिभाषा अगर जानना चाहते हैं तो जानिए है कि सूचनाओं का वर्गीकरण करके जो आपके पास सूचना है उसको क्लासिफिकेशन करके वर्गीकरण करके सही समय पर सही सूचनाओं को प्रस्तुत करना यानी किस समय पर कौन सी सूचना का उपयोग करना है उसको प्रस्तुत करके प्रयोग करना परा संज्ञान कहलाता है तो आइए आगे, आगे देखते हैं तो देखते हैं संज्ञान के तहत तो ब्रेन मैपिंग या माइंड मैपिंग मन चित्रण जिसको मानचित्रण कहते हैं आप तो मन का मानचित्रण यानी ब्रेन या माइंड मैपिंग जो आपका दिमाग वह किस तरीके से काम करता है उस चीज पर काम करना या शोध करना और वो कौन सी वह चीज है जिसके द्वारा आपका माइंड समझता है और चीजों को अपने अंदर रख सकता है यही आपका माइंड मैपिंग कहलाता है मन मानचित्रण कहलाता है या किस चीज के प्रति किस प्रकार से आपका दिमाग काम करेगा यहाँ पे लिख लेंगे काम करेगा यानी किस चीज के प्रति किस प्रकार से आपका दिमाग काम करेगा वही माइंड मैपिंग है मन मानचित्रण कहलाता है संज्ञानात्मक विकास निम्न चरणों से होकर गुजरता है अवधान अटेंशन दूसरा स्मृति मेमोरी और तीसरा तीसराज्ञान मेटा कॉग्निशन। तो ध्यान दीजिएगा संज्ञानात्मक विकास के जो चरण होते पहला अवधान अटेंशन संज्ञान का प्रयोग करते समय बच्चा पहले अवधान करता है अवधान मतलब अटेंशन करता है ध्यान देता है वह अपने चारों तरफ ध्यान लगाता है कि क्या चल रहा है अगर उसके चारों तरफ वातावरण धनात्मक है तो उसका संज्ञान भी अच्छी तरह से विकसित होता है दूसरा है स्मृति मेमोरी जब बच्चा अपने चारों तरफ के वातावरण में अवधान विकसित करता अवधान यानी अटेंशन करता है ध्यान देता है तो वह उन सूचनाओं को दिमाग में इकट्ठा कर लेता है जिसे स्मृति कहते हैं और अनेक सूचनाओं का संग्रहण ही स्मृति कहलाती है तीसरा है मेटाकॉग्निशन संज्ञान मेटा स्मृति और मेटा बोध को मिलाकर मेटा संज्ञान या पर संज्ञान बनाते हैं सूचनाओं का वर्गीकरण करके सही समय पर सही सूचना को प्रस्तुत करके प्रयोग करना मेटा संज्ञान या पर संज्ञान कहलाता है यानी कह सकते हैं मन मानचित्रण मन मानचित्रण के बारे में थोड़ा सा जानिएगा जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं माइंड मैपिंग या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको माइंड मैपिंग या इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेन मैपिंग भी इसको कहते हैं और हिंदी में इसी को हम लोग मन मानचित्रण कहते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये होता क्या है मन के क्रियाशीलता पर अनुसंधान ही आपका मन मानचित्रण कहलाता कई बार पूछा गया क्वेश्चन है इसे आप ध्यान में रखेंगे आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देंगे और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें इस वीडियो को लाइक शेयर, कमेंट करें। और आगे सीडीपी का अगला चैप्टर बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ बने रहिए और ऑल पर जरूर पेश कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग जय हिंद जय भारत